मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा शनिवार को हरदा में आयोजित हुई। न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, किसानों को न्याय दिलाने हमारी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालयों में ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया। अब हम सभी मंडियों को एक दिन के लिए बंद कराएंगे। दरअसल कांग्रेस ने सोयाबीन की एमएसपी 6000 रुपए क्विंटल किए जाने और वादे अनुसार गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। गुरुवार को यह यात्रा हरदा में निकाली गई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। देख रहे हो क्या कि राहुल गांधी जी को बीजेपी के लोग बहुत गालियां दे रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जवान काटने की बात भी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के अध्यक्ष मौन है। बीजेपी का एक भी नेता इस पर कोई वक्तव्य नहीं देता। उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, उसने कहा ये सबसे बड़े आतंकवादी। एक मंत्री ने कहा जवान काट दो। एक बीजेपी के विधायक ने कहा तेरी दादी जैसा तेरा हाल कर देंगे। क्या गलती कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या किसानों की खेती की इनकम बढ़ाने की बात उनकी गलती है? क्या वो किसान के बेटों को एमएसपी मिले उनकी गलती है? ये छोटे दुकानदार इनकी दुकान पर चार पैसे आ जाए ये आवाज उठाते रहते हैं, इनकी गलती है? वो बार बार इस गरीब की जो चाय वाला है, ये रिक्शे वाला, इसकी बात उठाते हैं, कोई गलती करते हैं? अरे आखिर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल चल के एक ही बात कही, प्रेम प्यार मोहब्बत 4000 किलोमीटर। आखिर कितना पेशेंस से व्यक्ति है उसके पिताजी ने, देश की एकता और अखंडता के राहुल जी के पिताजी ने अपने चिथड़े उड़वा लिए। उनके दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सीना छन्नी करा लिया। ऐसे व्यक्ति के लिए बीजेपी के लोग हत्या करने की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ, अगला आयोजन हम सारी मंडियां मध्य प्रदेश की एक एक मंडी बंद कराएंगे और एक दिन के लिए कराएंगे, रोज के लिए नहीं कराएंगे। वह किसान के बेटों को परेशानी नहीं करेंगे, पर एक दिन पूरे प्रदेश में मंडियां बंद कराएंगे और ये एहसास सरकार को फिर कराएंगे कि आपको चेतना पड़ेगा। जो वचन दिया आपने, एग्रीकल्चर खेती को लाभ का धंधा बनाना था, आपने कहा था हम डबल इनकम किसान की करेंगे, आपने कहा था एमएसपी देंगे, आपने कहा था 2700 गेहूं का दाम देंगे, आपने कहा था 3200 का धान का दाम देंगे, आपने कहा था। अब 6000 का क्विंटल किसान अपने सोयाबीन के दाम मांग रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा भैया? अरे गलती तो नहीं कर रहा है? इससे पहले आज सुबह हरदा पहुंचने पर उनके हाथों में गुलाब जामुन से भरा हुआ डिब्बा था, जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके लिए लेकर आए थे। और जीतू पटवारी ने खुद मुंह मीठा करने से पहले अपने आसपास खड़े तमाम लोगों को खुद गुलाब जामुन सर्व किए। खुद जीतू ने डिब्बे से एक एक कर गुलाब जामुन निकाले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खिलाए। किसी से कहा लोकाका आप खाओ, तो किसी का नाम लेकर उसे दोना थमाया। इसके बाद खुद भी उनका आनंद लिया। इस तरह एक राजनीतिक आंदोलन के लिए जाते समय रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका मुंह मीठा कराया और कुछ देर को कांग्रेस अध्यक्ष ने भी सब छोड़ छाड़ कर उनके साथ इन पलों का आनंद लिया। अरे सुखदेव भाई, ले चम्मच, आप इतनी बड़ी बड़ी लाए हैं। महेश भैया, किसी सुखदेव भाई को बुलाना है। सुखदेव भैया जा जल्दी ना। हरदा में जीतू बोले कि किसानों ने सोयाबीन के दाम 6000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग आंदोलन से पूरे प्रदेश में किसानों के आंदोलन को बल मिला है। उन्होंने किसानों से कहा, जब किसानों के हक की बात आती है तो हमें कांग्रेस बीजेपी से ऊपर हटकर किसानों के लिए खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा, जल्द ही प्रदेश की सभी मंडियों को बंद करने की तारीखों को डिसाइड किया जाएगा। हरदा में 25,000 किसानों के साथ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। विधायक डॉक्टर आर के दोगने ने भी सरकार पर हमला बोला। वही पूर्व मंत्री कमल पटेल पर हमला बोलते हुए कहा कि इतने साल कृषि मंत्री रहने के बाद भी किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि हरदा जिला कृषि प्रधान जिला है। सरकार को सोचना चाहिए, किसानों की फसलों के उचित दाम लागत के आधार पर मिलना चाहिए।
हरदा की किसान न्याय यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, शैलेंद्र पटेल, कपिल फौजदार, हरदा विधायक डॉ रामकिशोर दोगने, पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार, बद्री पटेल, हेमंत ताले के साथ साथ अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और विभिन्न मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी एवं हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वही कृषि उपज मंडी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम पटेल ने रैली के समापन के बाद सभी का आभार व्यक्त किया।